हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स की कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से डाटा टाइप अलाउ होते हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किन किन डाटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। तो फर्स्ट वी राइट डेटा टाइप्स। अब देखिए, पाइथन में जो डेटा टाइप्स अलाउड हैं यूज़ करने के लिए, पाइथन सपोर्ट्स न्यूमरिक टाइप सच एज इंटीजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग पॉइंट, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो डाटा टाइप, ये जो न्यूमरिक डाटा टाइप है, इनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है, इंटीजर टाइप को, फ्लोटिंग पॉइंट को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इसके अलावा अगर बूलियन वैल्यूज में हम बात करें तो इट आल्सो सपोर्ट्स बूलियन वैल्यूज, को एंड स्ट्रिंग्स को, इस तरह के डेटा टाइप्स को पाइथन सपोर्ट करती है। इसमें एक चीज़ और बताने वाली, वो ये है कि द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ठीक है। तो एक तरह की वैल्यू को आप दूसरे तरह की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम एक प्रोग्राम लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये प्रोग्राम क्या कहता है कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ वेल शफर्ड कार्ड्स, मतलब कार्ड्स का एक सेट है ताश के पत्तों का, उसमें से एक कार्ड हम निकालते हैं। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग नाइदर ए किंग नॉर ए स्पेड। हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो हमने ताश की गड्डी जो निकाली है, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, 52 पत्ते होते हैं, और वो 52 कार्ड्स जो है वो चार सेट्स में स्प्लिटेड रहते हैं, ठीक है। हर हर सेट के 13 कार्ड रहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग नाइदर ए किंग नॉर ए स्पेड। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसमें से जो निकाला गया पत्ता है वो ना तो किंग हो और ना हो, ना ही स्पेड हो। अब इसको करने के लिए हम देखिए, ये तो हमने प्रॉब्लम आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके लिए जब हम प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में, तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया एन कार्ड्स, ठीक है। एन कार्ड्स में हमने क्या असाइन किया, हमने लिखा इंटीजर 52, ये हो गया 52 कार्ड हो गए। फिर उसमें किंग कित, तो हमने कहा एन किंग्स, तो किंग्स कितने होते हैं हमें मालूम है कि चार होते हैं, ठीक। फिर हमने कहा स्पेड्स, तो एन स्पेड्स कर दिया हमने, एन स्पेड्स, ठीक है। स्पेड्स कितने होते हैं हमें मालूम है, एक तरह के 13 कार्ड होते हैं। अब एन स्पेड किंग मतलब स्पेड भी हो और किंग भी हो, ये दोनों, तो एन स्पेड किंग कितना होगा? तो ये तो केवल एक ही तरह का, जैसे हमने कहा हुकुम का इक्का है तो वो तो एक ही होगा, हमने कहा पान का गुलाम है तो वो तो एक ही होगा, तो एन स्पेड किंग जो है वो केवल एक होगा, तो हमने यह दे दिया 1। अब इसमें क्या होगा कि अब हमें निकालना क्या, हमें नॉन स्पेड नॉन किंग निकालना है। तो अगर इसके इसके हम फॉर्मूला लगाएं कि अगर हमें निकालना है एन नॉन स्पेड नॉन किंग, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कार्ड्स में से हम माइनस कर देंगे किंग्स को और स्पेड्स को, और इसमें से एन स्पेड किंग जो है उसको भी माइनस कर दें, एन स्पेड किंग उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक। तो अब इससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ये तो हमारी वैल्यूज आ गई। अब आ जाइए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमारी निकलेगी, मान लीजिए हमने लिखा वेरिएबल बनाया प्रोबेबिलिटी
नॉन स्पेड नॉन किंग, तो ये हमने लिख दिया नॉन स्पेड नॉन किंग, ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पे हमने लिखा एन नॉन स्पेड नॉन किंग और डिवाइडेड बाय एन कार्ड्स, या डिवाइडेड बाय आप ऐसे लिखिए एन कार्ड्स। इससे क्या होगा कि आपकी ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। अब इसका जो हमारा आंसर आ गया, हम लिखेंगे प्रिंट, सिंगल कोट लगाया हमने, लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग कॉमा नॉन स्पेड इज नॉन स्पेड इज, यहाँ हमने कोट्स क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने वेरिएबल दे दिया, ये जो हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्पेड नॉन किंग। ठीक, तो जब ये आपका प्रोग्राम बन गया पाइथन में, जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग कॉमा नॉन स्पेड इज, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी जो आप कैलकुलेट करके जब आप देखेंगे इसमें प्रोग्राम रन करा के, तो ये आएगा 0.692 3076 3076 692 3076 9230 9230, फिर 76923, 76923 ये आंसर आएगा। अब देखिए, अगर इस आंसर को हमें लिमिट करना है कि इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट ऑफ टू ए फ्यू डेसिमल डिजिट्स यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, जैसे हम लोग सी में, उसमें सी में यूज करते हैं, तो मान लीजिए हमको इसको से डेसिमल के 2 पॉइंट तक रिस्ट्रिक्ट करना है, या हमको डेसिमल के 3 पॉइंट तक रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इसको करने के लिए क्या होगा कि इसको फिर हमें ये चेंजेस करने के लिए, या अगर हमें आउटपुट रिस्ट्रिक्ट करना है टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट टू फ्यू डेसिमल डिजिट्स, हमें क्या करना होगा, यूज फॉर्मेट, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यूज करना होगा जैसे हम लोग सी में यूज करते हैं, यानी हमें फिर लाइन, ये आउटपुट लाइन कैसे देनी होगी, हमें ऐसे देना होगा प्रिंट, यहां हमने लिखा प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी इज, फिर हमने यहां लिखा परसेंटेज एफ, फिर हमने यहां पे कोट्स लगा दिया, फिर लिखा परसेंटेज प्रोबेबिलिटी नॉन स्पेड नॉन किंग परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्पेड नॉन किंग कॉमा, फिर हम यहाँ कोट्स लगा के परसेंटेज 0.2f 0.2f, और फिर कोट्स क्लोज्ड, और यहाँ हम लिख देंगे परसेंटेज
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्पेड नॉन किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्पेड नॉन किंग, ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। तो जब आप इसको फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन से आप इस तरह देंगे इस आउटपुट लाइन को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा इस तरह से, यहाँ लिखा हुआ आएगा प्रोबेबिलिटी इज, फिर आएगा आपका 0.69230 69230 80 69230, फिर आएगा आपका 8, क्योंकि इस अभी बताते हैं इसके बाद ये राउंड ऑफ कर देगा, और फिर उसके बाद आएगा 0.69। इस तरह से द आउटपुट ऑफ दीज टू लाइन एलोन, लाइन 8 एंड 9, वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो फॉर्मेट प्रिंट आउट आया है या फॉर्मेट प्रिंटिंग आई है, इसमें आपको समझने वाली चीज है, इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए हम फॉर्मेट प्रिंटिंग को डिस्कस करते हैं, तो फॉर्मेट प्रिंटिंग इसमें क्या होता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ इंस्ट्रक्ट्स प्रिंटिंग ऑफ द नेक्स्ट आर्गुमेंट परसेंटेज प्रॉब नॉन स्पेड नॉन किंग टू बी ए सिंगल प्रिसिशन वैल्यू विच बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्ट्स द आउटपुट टू 6 डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, यानी जब आप आपने परसेंटेज एफ दिया है, परसेंटेज एफ, तो वो क्या करेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कहाँ तक, 6 डेसिमल डिजिट तक, 6 डेसिमल डिजिट तक आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक, सिंगल प्रिसिशन वैल्यू, यानी ये हो जाएगा सिंगल प्रेसिशन वैल्यू। ठीक, और क्योंकि डबल में ज्यादा होता है तो ये सिंगल प्रेसिशन वैल्यू हो गया, और जब आप ये आपने दिया तो ये हुआ, और जब आपने ये 0.2F दिया ऐसे, तो इससे क्या होता है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स इट फर्दर टू 2 डेसिमल डिजिट्स, यानी कि 6 तक तो इसने किया, और जब आप 0.2F देते हो तो फर्दर जो है 2 डेसिमल डिजिट तक इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि देयर इज नो कॉमा बिटवीन द फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड परसेंटेज वेरिएबल। तो आप देखिए इस लाइन में जो हमने दिया था, अभी यहाँ पे देखिए इस जगह पे कोई कॉमा, कोई भी यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये जो परसेंटेज वेरिएबल है, या ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये जो परसेंटेज वेरिएबल, इसके बीच में कोई कॉमा ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद और इसमें जो नॉन टेक्निकल पॉइंट आ सकता है वो ये आ सकता है कि अनदर नॉन टेक्निकल पॉइंट दिस प्रोग्राम रिवील्स इज अबाउट द वेरिएबल नेम्स। एज यू मे नो, एज वी कैन सी दैट द वेरिएबल्स आर डिफिकल्ट टू रीड, वन कैन यूज कैमिल केस टू इम्प्रूव इट। मतलब कि जैसे आपने ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप प्रोग्राम में और वापस जाइए, से सपोज कीजिए हम यहाँ पे ये आए। ठीक, अब ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं ये, ठीक है, इनको पढ़ने में देखने में इसमें डिफिकल्टी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस जैसे हमने एन कार्ड्स ये डिफाइन किया है, ठीक है, इसकी जगह हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एन और सी को हमने बना कर दिया, बड़ा कर दिया कार्ड्स,
ऐसे एन किंग्स है तो हम एन और फिर हमने कर दिया किंग्स। तो इस तरह से हम कैमिल केस भी यूज कर सकते हैं रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर? जैसे हमने एन स्पेड किंग है तो इसको हम एन स्पेड, ठीक है, और फिर हमने लिख दिया किंग। तो इससे क्या हो जाएगा कि डिफिकल्टी जो इसको रीड करने में है वो भी दूर हो जाएगी और एरर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे प्रोग्राम में। तो आई होप कि ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें डाटा टाइप्स या फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। अब इसमें एक आध एग्जाम्पल और लेके हम लोग जो है डिस्कस करना चाहते हैं। अब ये जो है आज की वीडियो लेक्चर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो अब एक आध प्रोग्राम को, एक दो प्रोग्राम को और लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।